हालेलुया। सचमुच ये आज जो हम जान रहे हैं, ये सारी चीज़ें बंद करी गई थी आज के समय में खोले जाने के लिए। हालेलुया। तो जो इस जिस समय में हम जी रहे हैं, इसकी भविष्यवाणी बहुत हजारों साल पहले ही कर दी गई थी, जो समय आप जिसमें आप जी रहे हो। हालेलुया। ये भेद का समय है, ये अंतिम समय है, और सचमुच आज इस अंतिम समय में प्रभु अपनी भेद की बातों को बताना चाहता है। आमीन। दानियल के समय में दानियल को प्रभु ने स्वप्न दिखाए, दर्शन दिखाए, और दानियल से एक ही बात बोली। मैं चाहता हूँ वचन निकालेंगे, निकालो दानियल की पुस्तक 12 उसका 4। बार बार दानियल को इस चीज के विषय में बताया गया, परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे, और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। हालेलुया। तो जब ये बातें ध्यान दो दानियल को बताई गई, तो बाइबल कहती है प्रभु ने कहा तू इस पुस्तक पर जो दर्शन जो स्वप्न प्रभु ने दिखाए हैं, जाहिर करे हैं, इस पर मुहर कर, इसको सील कर दे, और कि इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। अब समझ रहे हो, तो दानियल को जो चीजें प्रभु ने बताई, दानियल को कहा गया कि इसे बंद रख, अभी ये समय नहीं है कि ये बातें बाहर निकाली जाए, बट एक समय आएगा जब ये बातें प्रकाशित करी जाएंगी, ये बातें खोली जाएंगी। और मेरा बिलीव है हम इस अंतिम समय में जी रहे हैं, और प्रभु जो चीजें दानियल के समय पे बंद करी गई थी, आज अपनी अलौकिक समय पे उन चीजों को खोल रहा है। अब समझ रहे हो, सचमुच ये अद्भुत है, ये अलौकिक है। निकालेंगे दानियल 12 उसका 9 भी पढ़ो, किस रीति से हर बार दानियल को बोला गया इन्हें बंद रख, अभी नहीं, इन्हें बंद रख। निकालो वचन। यस, उसने कहा, हे दानियल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं और इन पर मोहर दी हुई है। हालेलुया। सामर्थ्य, उसने कहा हे दानियल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं और इन पर मोहर दी गई है। अब समझ रहे हो, मोहर मतलब एक सील जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, ये अंत समय के लिए बंद करी गई है। हालेलुया। अब देख रहे हो, ताकि ये अंतिम समय जब आए तो ये खोली जाए। तो आज जब हम इस अंतिम समय में जी रहे हैं, ये भेद की बातें प्रभु ने हमारे ऊपर खोल रहा है, प्रकाशित कर रहा है, जाहिर कर रहा है, ताकि इन अंतिम बातों को सुनकर समझकर हम तैयारी कर सकें, क्योंकि बाइबल कहते हैं यीशु का आगमन बहुत निकट है। बाइबल एक भविष्यवाणी की पुस्तक है, किताब है, जिसमें सिर्फ टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, बट आने वाली समय की बातें बाइबल जाहिर करती है, क्या चीज़ें होने वाली है, क्या चीज़ें घटित होंगी, हर एक चीज़ बाइबल बयान करती है। जो अब तक लिखा है पूरा हुआ है और पूरा हो रहा है और आगे भी पूरा होगा। हालेलुया। दानियल 8 उसका 26 सेम बात प्रभु ने दानियल को जाहिर करके बोला, पढ़ो निकालो दानियल 8 उसका 26। सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा और सुना है वे सच है, परंतु जो कुछ तू ने दर्शन में देखा है उसे बंद रख, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद फैलेगा। हालेलुया। सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा है, समझ लो, जो प्रभु ने दिखाया दानियल को और तूने सुना है वो सच है, इसका मतलब वो पूरा होगा, वो नकली नहीं आया, उसके मन की कल्पनाएं नहीं है, प्रभु ने कहा वो सच है, परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा है उसे बंद रख। समझ रहे, प्रभु ने उसे जाहिर किया, उसे बताया, बट उसके बावजूद उसे बोला इसे बंद रख, क्योंकि वो बातें वो बहुत दिनों के बाद फलेगा। हालेलुया। तो बहुत दिन कौन से, बहुत दिनों के बाद क्या, ये अंतिम समय जिसमें आज आप और मैं जी रहे हैं, आप और मैं चल रहे हैं। हालेलुया। ये आज के समय के लिए
बातें छुपाई गई थी, बातें बंद करी थी, और आज प्रभु खोल रहे, प्रकाशित कर रहे। क्यों? क्योंकि आज हम उस समय में जी रहे हैं जिस समय के विषय में प्रभु ने पहले ही दानियल को बता दिया था, दानियल को आगाह कर दिया था। अब देख रहे हो दानियल की पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। 66 बाइबल की पुस्तकों में से सिर्फ दानियल ही एक ऐसी किताब है जिसके विषय में प्रभु ने कहा कि इसे बंद रखना, इसे अंत तक बंद रखना, इसे अंत तक सील कर लेना, ये अंतिम समय के लिए है। हालेलुया। अंतिम समय आज हमें जानना और पहचानना है। आज हम क्यों एंड टाइम्स की बातें सीख रहे हैं? क्योंकि प्रभु ने ये बातें पहले से जाहिर कर दी थी, आज हमारे जानने के लिए, हमारी तैयारी के लिए। हम अंतिम समय में जी रहे हैं। हालेलुया। दानियल 8 उसका 17 आज आपको जानना है। अंतिम समय, एंड टाइम्स, जिसके विषय में हजारों साल पहले ही दानियल की पुस्तक में लिख दिया गया था। अद्भुत, अलौकिक। यस। तब जहां मैं खड़ा था वहां वह मेरे निकट आया, और उसके आते ही मैं घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, उन देखी हुई बातों को समझ ले, क्योंकि उनका अंत अर्थ अंत ही के समय में फैलेगा। इसको लगा के रखो स्क्रीन पे। तब जहां मैं खड़ा था वहां वो मेरे निकट आया। दूत इस जगह पे बात हो रही है, और उसके आते ही मैं घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, उन देखी हुई बातों को समझ ले। आप समझ रहे हो, प्रभु ने उन देखी बातों को उससे कहा, समझ ले, क्योंकि उसका अर्थ अंत ही के समय में फलेगा। हालेलुया। दानियल को बोला गया, इन्हें बंद रख, इन्हें सील कर दे। जो इसका अर्थ है, जो इसका समझना है, जो इसका अनुवाद है, इसका मीनिंग है, वो अंत ही के समय में फलेगा। हालेलुया। अंतिम समय में फलेगा। आज भी जो ज्यूज हैं वो दानियल की किताब पढ़ते नहीं हैं। अब समझ रहे हो, यहूदी दानियल की किताब पढ़ते नहीं हैं, उसके अर्थ को जानते नहीं। आप समझ रहे हो, वो अंतिम समय पे ही खुलेगा। तो ये प्रभु का आत्मा है जो प्रभु की बातों को, प्रभु की ठहराई हुई गुप्त बातों का मतलब हमारे ऊपर जाहिर करता है। हालेलुया। तो सचमुच क्योंकि हम इस अंतिम समय में जी रहे हैं, तो ये वचन हमारे जीवन में फल को लेके आ रहा है। इसका प्रकाशन हम रिसीव कर रहे हैं कि हम अंतिम समय में। दानियल 8 उसका 19 प्रभु का वचन सामर्थ्य अलौकिक। यस। दानियल 8 उसका 19 पढ़ेंगे। तब उसने कहा, क्रोध भड़कने के अंत के दिनों में जो कुछ होगा वह मैं तुझे बताता हूँ, क्योंकि अंत के ठहराए हुए समय में वह सब कुछ पूरा हो जाएगा। हालेलुया। तो जगह पे दोबारा हम पढ़ते हैं, क्रोध भड़काने के अंत के दिनों में जो कुछ होगा, अंतिम समय की बातें, वह मैं तुझे जताता हूँ। जो आज का समय है इसके बारे में पहले से दानियल में लिख दिया गया था, क्योंकि अंत के ठहराए हुए समय में सामर्थ्य वह सब पूरा हो जाएगा। हालेलुया। वो बातें सील करी गई, उनको बंद करा गया, पर आज प्रभु खोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो सत्य हैं और अब उनका पूरा होना अवश्य है। क्रोध भड़काने के अंत के दिनों में जो कुछ होगा, समझ रहे हो, प्रकाशित वाक्य में हम सब कुछ पढ़ते हैं, क्या क्या होने वाला है, कैसे क्रोध भड़कने वाला है, किस रीति से संसार में चीजें घटित होने वाली है, सब कुछ, क्योंकि अंत के ठहराए हुए समय में वह सब कुछ पूरा होगा। अंत के ठहराए हुए ये समय सब कुछ पूरा होगा जो बाइबल में लिखा है। दानियल के विषय में, दानियल के समय पे जो कुछ लिखा गया वो पूरा हुआ। अंतिम समय में हम उसको, उसका पूरा होना स्टार्ट हो चुका है। जो चीजों के विषय में दानियल ने हर एक चीज वो स्टार्ट हो चुकी है, वो प्रोसेस के अंदर है। आज हमें जागरूक होना है। आज पीस क्रिएट किया जा रहा है, आज वन वर्ल्ड गवर्नमेंट क्रिएट की जा रही है, आज सब कुछ, ये सारी चीजें कोई नई नहीं है, एकदम से शुरू नहीं हो गई है, ये सब पहले से ही
प्रभु ने अपने लोगों पर जाहिर करती थी जो बंद थी, पर आज प्रभु अपनी दया के अनुसार उन चीजों को खोल रहा है और प्रकाशित कर रहा है। हालेलुया। दानियल में चीजें बंद करी गई थी, पर जैसे ही हम प्रकाशित वाक्य तक आते हैं, जो चीजें प्रभु ने बंद करने के लिए बोली थी, प्रभु ने बोलता है उन्हें खोल दे और उन्हें बंद मत कर। निकालेंगे वचन प्रकाशित वाक्य, यूहन्ना से प्रभु बात करता है 22:10। जब यूहन्ना को प्रभु अंतिम समय प्रकाशन की बातों का प्रकाशन देता, यस। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। क्योंकि समय निकट है। अब देख रहे हो कि नहीं, क्योंकि समय निकट है। इन भविष्यवाणियों की पुस्तक को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। दानियल को क्या बोला? इन्हें बंद कर दे, अभी नहीं, अंतिम समय में फैलेंगे। वहीं पे प्रकाशित वाक्य में प्रभु क्या बोल रहा है योहन्ना को, कि इन्हें बंद मत कर, इन्हें सील मत कर, इन्हें खोल दे, इन्हें, क्योंकि समय निकट है। यीशु के आगमन का समय निकट है। हम अंतिम समय में जी रहे हैं और कलीसिया जब दुल्हा लेने आ रहा है तो दुल्हन को तैयार होना, दुल्हन कीचड़ में अपने आप को खराब नहीं कर सकती, उसको तैयार हो। हालेलुया। बंद मत कर, क्योंकि समय निकट। दानियल कितने वचन मैंने आपसे बात करी और क्या लिखा था, उन्हें बंद कर दे, बट प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है, इन्हें बंद मत कर। तो हम देखते हैं किस रीति से दानियल के समय की जो बातें हैं प्रभु आज प्रकाशित कर रहे हैं। तो हम देखते हैं जो दानियल का इतिहास है, किस रीति से जब बेबीलोन का राजा जो नेबुकदनेज़र था वो गया इसराइल में यहूदियों में, उसने उस टेरिटरी को जीता और जितने भी यहूदी जवान थे उन लोगों को वो अपने साथ ले आया था, जिनके विषय में हम पढ़ते हैं दानियल शद्रक मेशक अबेदनगो, वो उनके बीच में से थे। तो किस रीति से वो प्रभु के भय में चलते हैं, प्रभु के भय में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और प्रभु उनके साथ होता है। तो उसी दौरान राजा जो था वो एक स्वप्न देखता है। तो जैसे ही राजा एक स्वप्न देखता है वो बहुत परेशान हो जाता है और वो नहीं जानता कि वो स्वप्न का क्या मतलब था और किसकी ओर से था, वो नहीं जानता था, बट वो बहुत बेचैन था उस स्वप्न को देख के। तो दानियल के दौरान जब नेबुकदनेज़र को स्वप्न आया तो उसने सारे अपने जो मैजिशियंस थे, जो जादू टोना वाले लोग थे, जितने भी लोग थे उनको बुलाया और उनको बोला कि मुझे एक स्वप्न आया है। और यहाँ पे एक बात जो उसने बोली जो बहुत आश्चर्यचकित थी, अचंभित करने वाली थी, वो ये थी कि तुम सिर्फ मुझे मतलब नहीं बताओगे, मैं तुम्हें अपना सपना बताने नहीं वाला, तुम मुझे मेरा सपना भी बताओगे और उसका मतलब भी बताओगे। हालेलुया। सब घबरा गए और डर गए, राजा ये कैसे हो सकता है, हमें सपना बता उसके बाद हम मतलब बता सकते हैं, बट सपना तूने क्या देखा है रात को जब तू सो रहा था वो हम कैसे बता सकते हैं। तो राजा बहुत क्रोधित हुआ, अब समझ रहे हो, उसने कहा ये सब के सब अगर 24 घंटे अब कोई मतलब नहीं बताया, मेरा सपना मुझे नहीं बताया तो सब के सब मारे जाएंगे। अब समझ रहे हो ये फरमान जारी हुआ था सबके खिलाफ। उसके बाद हम देखते हैं किस रीति से जब दानियल को इस बात का पता लगा, वो लोगों ने एक ही बात बोली थी कि इसे तो सिर्फ परमेश्वर ही जाहिर कर सकता है। और दानियल जब इस बात को सुना तो दानियल प्रार्थना में बैठ गया। वो जानता था कि जिसने सब कुछ को बनाया है, जिसने नेबुकदनेज़र को सपना दिया है, वो मुझे भी बताएगा, उसका अर्थ भी बताएगा। और जिस हम जानते हैं किस रीति से जब दानियल प्रार्थना में था तो प्रभु ने अलौकिक रीति से वही सपना जो राजा पे जाहिर हुआ था वही दानियल के ऊपर भी जाहिर किया और उसका अर्थ भी मतलब भी जाहिर किया। और इस दौरान हम देखते हैं किस रीति से दानियल राजा के पास आता है और उसे बात करता है और उसे वो स्वप्न बताता है और उससे स्वप्न का मतलब भी बताता है। हालेलुया। वचन निकालेंगे दानियल 2:11। जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं है और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बात बता सके।
हालेलुया। तो उस जगह पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो मैजिशियंस बुलाए गए थे, तो वो ये बात बोलते हैं सिर्फ देवताओं को छोड़ जिनका निवास मनुष्य के संग नहीं है और कोई दूसरा नहीं जो राजा को ये बातें बता सके। इसके बाद राजा का क्रोध भड़का, आप जानते हो 2:27 आगे पढ़ेंगे। दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वह ना तो पंडित, ना तांत्री, ना ज्योतिषी, ना दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं। हालेलुया। दानियल ने साफ उत्तर उसको दिया, ये सारे जो तांत्रिक हैं, ज्योतिषी हैं, भावी हैं, कोई भी इनमें से नहीं बता सकता, बट प्रभु जो मेरा परमेश्वर है वो जाहिर करने की सामर्थ्य रखता है। और दानियल 2:32-33 जब हम पढ़ते हैं तो इस जगह पे दानियल बात करता है किस रीति से प्रभु ने उससे बात करी और जाहिर किया। पढ़ो। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और झांगे पीतल की, उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर तूने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखाड़ कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। हालेलुया। तो ये जो सपना था जो नेबुकदनेज़र राजा ने देखा और वही चीज़ें प्रभु ने दानियल पे प्रकट करी, तो किस रीति से उसने एक मूरत देखी और मूरत में अलग गोल्ड, सिल्वर, पीतल, लोहे और पैर जो थे वो मिट्टी और लोहे के मिक्स थे, और किस रीति से एक पत्थर वहाँ पे आता है और उस मूरत पे गिरता है और वो मूरत नीचे ढह जाती है, और उस पत्थर में से कैसे प्रभु एक पहाड़ को पैदा करता है। तो ये दर्शन था जो दानियल ने भी देखा, जो नेबुकदनेज़र राजा ने देखा था। तो इसके बाद दानियल मतलब शुरू करता है और 2:37 में एक सामर्थ्य बात को बोलता है जो आज आपको समझनी होगी। पढ़ो 2:37 दानियल। हे राजा, तू तो महाराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है। हालेलुया। दोबारा पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर ने, स्वर्ग के परमेश्वर ने, ध्यान दे, हे राजा, स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है। तो उसने अपने आप नहीं लिया जो उसके पास था, अपने आप इतना बड़ा राज्य नहीं उसने हासिल किया, अपने आप चीजें नहीं हुई, किसके द्वारा? स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी। बहुत हमें लगता है वो तो इतना बुरा था, वो तो उन दानियल को बंदी बना के ले आया था, वो तो ऐसा था, प्रभु ने उसको कैसे बना दिया, प्रभु ने उसको क्यों ठहराया है? बहुत सारे सवाल आते हैं हमारे जीवन में, बट हमें समझना होगा प्रभु सब कुछ अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए करता है। ये प्रभु ही था जिसने फिरौन के मन को कठोर किया था, आप समझ रहे हो? तो प्रभु अपने बड़े मकसद को पैदा करने के लिए लोगों को ठहराता है। हालेलुया। रोमियो 13:1, प्रभु ही है जो राजाओं को वो राज्य देता है, प्रभु ही। निकालो रोमियो 13:1। यस, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे आप साफ रीति से देखते हो कि जो अधिकार हैं वो प्रभु के ठहराए हुए हैं, वो मनुष्य के द्वारा नहीं दिए गए, वो प्रभु की ओर से ठहराए गए। वो प्राइम मिनिस्टर है, आज डेमोक्रेसी में रिपब्लिक होने के नाते जितने भी राज्य हैं, हाँ शायद चाहे लोग क्यों नहीं वोट कर रहे हैं, पर लोग किसके द्वारा ठहराए गए हैं? प्रभु की ओर से। प्रभु लोगों के हार्ट्स पे काम करता है। तो आज हमें समझना, जागरूक होना और पहचानना है कि जो लोग ठहराए गए हैं वो प्रभु की ओर से ठहराए गए हैं। हालेलुया। दानियल 2:21।
समय और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ वही देता है। हालेलुया। तो ये आप देखो, ये प्रभु की सॉवरेनिटी को इस बात में हम पहचानते हैं, समयों और ऋतुओं को वही पलटता है, सीजन्स वही पलटता है, वही चेंज करता है। आज समर है, कल को आज बारिशें हो रही हैं, कल को स्प्रिंग आएगा, उसके बाद विंटर्स आएंगे, समर, ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है? प्रभु। समय जो चेंज हो रहा है, अंतिम समय आ रहा है, किसके द्वारा? प्रभु। ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हो, राज्यों को अस्त और उदय भी वही करता है। एक राज्य आ रहा है और एक राज्य ठहरा है, उसी के द्वारा। हम पढ़ते हैं, प्रभु ने पहले दानियल को सपना दिखा दिया था, वो सारे राज्य को लेके था। तो अभी मैं आगे उसके विषय में आपसे बात करूंगा और आपको बताऊंगा किस रीति से जो ये मेन राज्य थे जो इस धरती पे हुए हैं, पूरे विश्व भर में जिन्होंने शासन किया है, किस रीति से प्रभु ने पहले ही बता दिया था। हाँ, उसको नीचे किया, वो राज्य आ गया, वो नीचे गया, तीसरा राज्य आ गया। तो ये सारी चीजें किसके द्वारा है? प्रभु ही के द्वारा है। हालेलुया। एक समय पे हम देखते हैं प्रभु ने नेबुकदनेज़र को अपना दास तक बोला था। अब समझ रहे हो, निकालो पहला इतिहास 6 उसका 15। और जब यहोवा यहूदा और यरूशलेम को नबुकदनेज़र के द्वारा बंदी बना करके ले गया, तब यहोशादाक भी बंद होकर गया, बंधुआ होकर गया। तो इधर ध्यान से देखो, और जब यहोवा यहूदा और यरूशलेम को नेबुकदनेज़र के द्वारा बंधुआ कर ले गया, तो कौन कर ले गया? नेबुकदनेज़र। पर किसके द्वारा? अब समझ रहे हो, यहोवा करके लेके गया, बट किसके द्वारा? नेबुकदनेज़र राजा के द्वारा। तो किसने ठहराया? हाँ भाई जा, उन्हें बंधुआई बना के ला। तो अब देख रहे हो, अलौकिक प्रभु ठहराता है उसे अपने मकसद के लिए। बाइबल में क्या, प्रभु ने दुष्ट को भी एक मकसद के लिए बनाया। प्रभु के हाथों में, प्रभु सॉवरेन है, प्रभु अलौकिक है, एक प्रभु दास भी बुलाता है। यर्मिया अगर 25 उसका 9 अगर हम पढ़े, इसलिए सुनो, मैं उत्तर में रहने वाले सब कुलों और बुलाऊंगा और अपने दास बेबीलोन के राजा नबुकदनेज़र को बुलवा भेजूंगा और उन सबों को इस देश और इसके निवासियों के विरुद्ध और इसके आसपास के सब जातियों के विरुद्ध भी ले आऊंगा और इन सब देशों का मैं सत्यानाश करके उन्हें ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग इन्हें देखकर ताली बजाएंगे, वरन ये सदा उजड़े ही रहेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। तो इस जगह पे आप क्या पढ़ रहे हो? हे सुनो, मैं उत्तर में रहने वाले सब कुलों को बुलाऊंगा और अपने दास नबूकदनेज़र राजा, जिसने शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डाला, जिसने दानियल को शेरों की मांद में डाला, जिसने सारे इज़राइल, सारे यरूशलेम को उजाड़ दिया, वो राजा प्रभु का दास, आप समझ रहे हो, मैं अपने दास बाबुल के राजा नेबुकदनेज़र को बुलवा भेजूंगा। बाइबल को सिर्फ आप आत्मिक समझ से समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आप इमोशनली चीजों को लो तो प्रभु क्या कर रहा है? प्रभु ने कहा मेरा दास प्रभु ने जिसको ठहराया है, प्रभु ने उसे बनाया है, जैसे जो दानियल ने बोला था, हे राजा प्रभु ने ही तुझे सामर्थ्य दी है, प्रभु ने तुझे बल बख्शा है, प्रभु ने महिमा दी है तुझे। तो प्रभु जो राजाओं को राज्य देता है, एक को नीचे दूसरे को ऊपर, प्रभु उसकी अलौकिक, उसकी सॉवरेनिटी, परमेश्वर। नीति वचन 21 अगर उसका 1 पढ़े, इधर भी सामर्थ्य वचन लिखा हुआ, राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता उधर उसको मोड़ देता है। हालेलुया। राजा का मन नालियों के जल के नाई यहोवा के हाथ में रहता है। अब ध्यान दे रहे हो, मन नालियों के जल के नाही, अब जो पानी है, जो रिवर का पानी है, जो नदी का पानी है,
वो सोच विचार नहीं करता, मुझे लेफ्ट जाना है, मुझे राइट जाना है, मुझे सीधा जाना है, मुझे पीछे। उसका एक राह तैयार हुआ है, एक वे तैयार किया गया है। हाँ, वो फ्लो के साथ जहाँ पे रास्ता है अपने आप चलता रहता है। इसी प्रकार राजा का मन नालियों के जल के नाई यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता है उसे उधर फेर देता है। प्रभु का नियंत्रण, आप देख रहे हो, प्रभु का कंट्रोल, प्रभु की सॉवरेनिटी है। प्रभु आज हमारे जीवन में प्रभु का प्रथम स्थान होना चाहिए, प्रभु के हाथों में सब कुछ है। बहुत बारी हम अपनी समझ का सहारा लेने लगते हैं, बट आज अपना भरोसा प्रभु पे पूरी रीति से, बाइबल में लिखा अपनी समझ का सहारा ना ले पर संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रख। वो सॉवरेन है, वो पावरफुल है, सामर्थ्य है। हालेलुया प्रभु। तो ध्यान रखें, राजा नेबुकदनेस्सर को राजा बनाने वाला वही था, राजा को महिमा देने वाला वही था, राजा को वो शौहरत, वो राज्य देने वाला वही था। हालेलुया। तो आज आपको समझना और जानना और पहचानना। तो हम देखते हैं किस रीति से दानियल ने स्वप्न बताया और उसके बाद स्वप्न का मतलब बनाना शुरू किया। अगर हम एक करके 32 से पढ़ें तो आज हम समझेंगे और जानेंगे उसका मतलब क्या है। 32, दानियल 2 का 32। उस मूर्ति का सिर तो चौके सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़ कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उसको चूर चूर कर डाला। हालेलुया। तो हम देखते हैं किस रीति से जो सिर है वो सोने का है, जो जो चेस्ट जो और जो हाथ हैं वो सिल्वर के हैं, और जो बेली है, जो पेट है और जो थाइज हैं वो सारे पीतल के हैं, ब्रॉन्ज के हैं, जो टांगे हैं, लाते हैं वो लोहे के हैं, और हम देखते हैं जो पैर हैं वो लोहे और मिट्टी के हैं। तो ध्यान इसमें जब हम देखते हैं जो सोना, जब मतलब दानियल बताना शुरू किया, जो सोने का सिर है, जो गोल्ड का सिर है, वो है बेबीलोन, जो जिसको वो रिप्रेजेंट करता था। सोने का सिर वो बेबीलोन था और बेबीलोन का राजा नेबुकदनेस्सर था। आप समझ रहे हो, ये जो राज्य था ये अराउंड 612 से लेके 539 BC तक ये राज्य हुआ था। अराउंड 70 साल थे जो इस समय पे ये राज्य बना रहा था। तो ये सोने का था और ये हेड था। जैसे हम नीचे आना शुरू करते हैं हम देखते हैं चीज़ें डिक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। जब सोने से सिल्वर आ रहा है, सिल्वर से पीतल आ रहा है, फिर लोहा आ रहा है, ये चीज़ें डिक्रीज हो रही हैं। और साथ ही साथ बाइबल बयान करती है वो राज्य भी अपनी स्ट्रेंथ में घट रहे थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेबीलोन का राज्य, जो कि राजा नेबुकदनेस्सर ही का था, और राजा नेबुकदनेस्सर को प्रभु ने दिया एक बड़े मकसद के लिए। हालेलुया। एक वचन में चाहता हूँ, निकालेंगे दानियल 2 उसका 39। तेरे बाद एक राज्य उत्पन्न होगा और उदय होगा जो तुझ से छोटा होगा। हालेलुया। जो तो दूसरा राज्य पे हम आते हैं वो मद्यानी और मीडियंस और पर्शिया का राज्य है, और ये दोनों हम देखते हैं कि जो सिल्वर जाहिर होता है, दो हाथ और जो आपकी चेस्ट है, मीडियंस और पारसी, मदानी और पारसी, ये दो हाथ जो थे, मैं हैरान होता हूँ कितना परफेक्शन में प्रभु का कलाम काम करता है, बात करता है। तो जो दो हाथ थे, एक पर्शियन और एक मीडियन नाइट, तो दो हाथ जाहिर कर रहे थे कि वो राज्य दो, आप कह लो दो सरकारों के द्वारा, दो राज्यों के द्वारा चलाया जा रहा था उस समय का सारा शासन।
ये जो राज्य था ये अराउंड 539 बीसी से लेके 331 बीसी तक था। तो जो ये चेस्ट आप देख रहे हो ये मीडो पर्शिया, जैसा कि मैंने बताया था, दो राज्य के द्वारा, दो हाथ जो थे दो राज्यों के द्वारा चलाया जा रहा था, और 539 से लेके 331 बीसी तक के बीच का ये राज्य था। ये सारा बेबीलोन का राज्य था, और जो आप येलो में देख रहे हो ये सारा पर्शियन और जो मदानी का जो एम्पायर था ये सारा था। तो अगर आप साइज देखो येलो ब्राउन से बहुत बड़ा है, हाँ जो उनका राज्य था दूसरा बेबीलोन से बहुत बड़ा है। बट प्रभु जब वचन में बात कर रहा था वो एरिया की बात नहीं कर रहा था, वो उसकी पावर, वो उसके प्रभाव की, वो उसके इन्फ्लुएंस की बात कर रहा था। हालेलुया, प्रभु की बातें अलौकिक हैं और आत्मिक बुद्धि के द्वारा ही समझी जा सकती हैं। तो ये सारा राज्य था जहाँ पे, और जिनकी विषय में आज हम देख रहे हैं, यही इस दुनिया में, इस विश्व बहुत सारे लोग आए, बहुतों ने बहुत जगहों पे शासन किया, राज्य किया, बट जिन एम्पायर्स के बारे में बाइबल बयान करती है और हम सुनते और पढ़ते हैं, ये कुछ ही हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड तक अपना प्रभाव रखा। आप समझ रहे हो, पूरे वर्ल्ड में अपना उनका एक रोल था, उनका एक अधिकार था पूरे वर्ल्ड पे। तो ये जो वर्ल्ड डोमिनेटिंग राज्य हैं ये पूरे इतिहास में कुछ ही हैं जो बाइबल पहले से बयान करती है। जब आए भी नहीं थे तब दानियल ने ये सारी बातें लिख दी थी। हालेलुया। तो तीसरा हम देखते हैं पीतल, जो यूनानी ग्रीक एम्पायर था, और ये ग्रीक जो एम्पायर था ये 331 से लेके 168 बीसी के बीच में था। तो 331 और 168 बीसी के बीच में ये राज्य था, और हम जानते हैं ये राज्य अलेक्जेंडर द ग्रेट, आप समझ रहे हो, इतिहास में आप बहुत पढ़ते हैं अलेक्जेंडर का नाम। तो इसके विषय में भी बाइबल में पहले से बयान कर दिया गया था। तो ये जो ब्रॉन्ज है, जो पीतल है, ये ग्रीस का राज्य है, जो पर्शिया और मेदानी के थर्ड नंबर पे आया था, उनके बाद आया था, और अलेक्जेंडर के द्वारा ये ठहराया गया था। और प्रभु ने ये भी बताया था इसके विषय में, अगर आप दानियल 7 और 8 के बारे में भी, ये भी सिमिलर स्वप्न थे, और इसके बाद भी धीरे धीरे आगे हम जानेंगे और सीखेंगे। बट प्रभु इसके विषय में भी पहले से बयान करता है अलेक्जेंडर के बारे में कि किस रीति से वो एक अकेला बहुत ही सामर्थी होगा, जिसका कोई बाल विवाद नहीं होएगा, जिसका कोई सक्सेसर नहीं होएगा। और हम जानते हैं किस रीति से अलेक्जेंडर, जिसने पूरे एक छोटी सी उम्र में पूरे एरिया पे काबू कर लिया था, वो जब एक बारी जा रहा था अपने सेना के साथ, तो रास्ते में उसे हार्ट अटैक और एक इंटरनल प्रॉब्लम हुई, और 33 साल की उम्र में वो मारा गया, और उसके पास कुछ नहीं था। अब समझ रहे हो, थर्ड जो राज्य था वो अलेक्जेंडर जो ग्रीक का था। तो चौथा जो हम पढ़ते हैं और जिसके विषय में दानियल वो मतलब बताता है, वो है रोमी एम्पायर, रोमियो का एम्पायर, और जो लोहे का एम्पायर, जो लोहे की टांगे हैं वो रोम के एम्पायर को जाहिर कर रही हैं। और जो रोम का एम्पायर था ये 168 से लेके 476 एडी के बीच का राज्य है, जिस दौरान रोमन लोग रहे थे, और बहुत ही क्रूर लोग थे। आपको पता है किस रीति से कितनी कठिन और विपरीत सजाएं थी जो रोमी के द्वारा दी जाती थी, उनके वो लोहे उनकी जो सोल्जर, उनकी आर्मी थी, लोहे की शील्ड, लोहे का हेलमेट, लोहे हर एक चीज़। तो जो लोअर उनकी उनके एम्पायर को, उनके टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो बहुत ही क्रूर राज्य रहे। और हम जानते हैं इसी के राज्य के बीच ही यीशु का आना हुआ। तो हम पढ़ते हैं हर जगह कैफस, और उस दौरान ये सारा जब यीशु का आना था, जेलों का सताया जाना, नीरो राज्य, हर एक चीज़ जो था ये रोमी राज्य के दौरान ही ये सारी बातें हुई थी। और साथ ही साथ इसके बाद जो हम पढ़ते हैं
और जो जानते हैं और जो महत्वपूर्ण है, ये सारे राज्य चले गए हैं, बट अब जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और जो समझना है, जो राज्य आने वाला है, तो वो है पैरों का राज्य, जो क्या था, मिट्टी और लोहे से बना हुआ है। लोहा रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ को और मिट्टी रिप्रेजेंट करती है निर्बलता को, दुर्बलता को, वीकनेस को रिप्रेजेंट करती है। तो ये चौथे राज्य के विषय में है, और चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। जो रोमी सरकार के विषय में, लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती हैं और पिस जाती हैं, इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती हैं, उसी भांति उस चौथे राज्य के सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। हालेलुया। तो ये रोमी सरकार का राज्य, और हम जो अगला पढ़ते हैं, मिट्टी और लोहे का राज्य, और इसमें हम पढ़ते हैं, प्रभु बयान करते हैं, जो 10 उंगलियां हैं वो 10 राज्य को जाहिर करती हैं। मैंने आपसे बात करी थी, दो हाथ कैसे वो राज्य बटे हुए थे, और उसके बाद पैरों का 10 उंगलियां, बाइबल बयान करती है इस अंतिम समय में 10 राज्य उठ खड़े होंगे, जो एक सरकार को तैयार करेंगे, और उनके बीच में से एंटी क्राइस्ट का निकलना होगा। आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें, फिफ्थ राज्य निकालो, पढ़ो 41 से लेकर 43 तक। तूने जो मूर्ति के पांव और उनकी उंगलियों को देखा, जो तो जो टांगों के विषय में पढ़ते हैं, यहाँ पे भी जो दो टांगे हैं इसके विषय में भी प्रभु बयान करता है। तो जो दो टांगे हैं, एक समय आया रोमी जो शासन था वो दो हिस्सों में बंट गया, एक था वेस्टर्न रोम और एक था ईस्टर्न रोम, वेस्टर्न एम्पायर और ईस्टर्न एम्पायर। जो वेस्टर्न एम्पायर था उस दौरान, जो उसकी कैपिटल थी वो रोम थी, जो ईस्टर्न कैपिटल थी, जो ईस्टर्न एम्पायर था जो उसकी कैपिटल थी वो कॉन्स्टेंटिनोपल था, और अभी का जो एरिया है वो इस्तांबुल ठहरता है, जो इस दौरान है। तो मैं वही आपसे बात कर रहा था, किस रीति से प्रभु, कितना सिद्धता का परमेश्वर है, हर एक चीज़ के पीछे एक गहरा और बड़ा प्रकाशन छुपा हुआ है। और जैसे कि आज हम बात कर रहे थे, वही वचन को दोबारा पढ़ो, आगे टांगे और जो फीट देखे थे उसने, पढ़ो उसी को आगे। तूने जो मूर्ति के पांव और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बंटा हुआ होगा, तो भी उसमें लोहे का साल कड़ापन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार को मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था। जैसे पांव की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, इसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका यह अर्थ है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे भी एक ना बने रहेंगे। तो 10 राज्यों की बात हो रही है इस जगह पे, हम देखते हैं, और पांव की उंगलियां कुछ तो लोहे और कुछ मिट्टी की थी, उसका अर्थ है वो दृढ़ होएगा, कुछ निर्बल होएगा। हाँ, कुछ दृढ़ होएंगे राज्य, कुछ निर्बल होंगे। तो ये सारी चीज़ें बाइबल पहले से बयान करती है, और यूहन्ना ने भी प्रकाशित वाक्य 17 में इसके विषय में बात करी है, कैसे उसने 10 सींगों को देखा, जो सेम बात को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आने वाले समय पे हम सीखेंगे उसके बारे में भी। दानियल 2:35 पढ़ो। तब लोहा मिट्टी पीतल चांदी और सोना भी जो चूर चूर हो गए और धूप काल में खलियानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता ना रहा, और वह पत्थर। तो जो ये आज आप देख रहे हो, आज इस समय पे बहुत सारी चीज़ें वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरफ जा रही हैं। हम देखते हैं कैसे यूनाइटेड नेशन बना, कैसे वर्ल्ड बैंक है, कैसे डबल वर्ल्ड एक ही हेल्थ का सिस्टम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। एक ट्रेड के विषय में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। हम देखते हैं IMF,
हम देखते हैं कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये किस रीति से इंटरनेशनल दौरे पे चीज़ों को एक किया जा रहा है। अब देख रहे हो यूएन और ग्लोबल रिलीजन, ग्लोबल एजुकेशन, ग्लोबल आर्मी, और आज हर एक चीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जा रहा है। बहुत सारे लोग, हमें लग रहा है चीज़ें अच्छी हैं, हाँ लोग बोल रहे हैं, हम जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर इकट्ठे मिलके हम उनको सुलझाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ये सारी चीज़ें एक सेकेंडरी एक्सक्यूज़ है, ये सिर्फ प्रभु का जो ठहराया हुआ बातें हैं वो मकसद का पूरा होना है। हालेलुया। तो अभी हम देखते हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर 15 मेंबर्स हैं टोटल, और जिनके अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, हाँ यूके, यूएस, फ्रांस, रशिया और चाइना, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल के हैं, जिनके पास वीटो पावर है। एक मना कर दे तो वो चीज़ मना है, एक हाँ, तो ये सारी चीज़ें उनको ठहराई गई हैं, उनको दी गई हैं। तो आप देखते हो अभी 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 रिसेंटली हम देखते हैं, हमने जो अंदर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग चल रही है वो इन 5 परमानेंट मेंबर को 10 बनाने के लिए तैयारी चल रही है कि 5 और हम ऐड कर लें। आप देख रहे हो, तो अब हम कितना क्लोज है एंड के। प्रभु ने क्या कहा था, 10 राज्य एक प्लेटफॉर्म पे होंगे, और आज वही चीज़ें चल रही हैं कि 5 और ऐड हो जाएं। तो प्रभु ने कहा था 10 राज्य। तो आज ये सारी बातें आपको समझना होएगा, जो दानियल के समय में बातें बंद करी गई थी आज प्रभु खोल रहा है, जाहिर कर रहा है, और हमारे सामने ये बातें पूरी हो रही हैं। ट्रीटी साइन हो रही हैं, आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट्स तैयार करे जा रहे हैं एक दूसरे के लिए। तो ये सारी चीज़ें अंतिम समय का भाग है, अंतिम समय की बातों को पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। हालेलुया। और ये सारी बातें होनी है यीशु के आगमन के पहले। और जो पत्थर उसके बाद उसने देखा उस मूरत पे आता हुआ, वो पत्थर कोई नॉर्मल पत्थर नहीं था। बाइबल में लिखा है वो एक पत्थर जिसका इनकार किया गया, वो नींव का पत्थर बनेगा। ये वही पत्थर है, यीशु का आना जब इस धरती पे होगा, उस पत्थर पे, उस मूरत पे गिरना होगा, वो ढह जाएगी। और बाइबल में लिखा है वो उस ढहे हुए पीसेज, वो आंधी के द्वारा, उस विंड के द्वारा, उसके द्वारा उड़ाए जाएंगे, और जो पत्थर होगा उसके बीच में से एक पहाड़ बाहर निकलेगा। तो प्रभु 1000 साल का राज्य जो इस धरती पर शासन करेगा। हालेलुया। दानियल 2:35 भी पढ़ो एक बारी इसको, सेम यस। तो यहाँ पे भी हम बात करते हैं किस रीति से वो राज्य प्रभु का होगा। पढ़ो, तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए, और धूपकाल और खलियानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता ना रहा। हवा से वो चीजें उड़ जाएंगी, वो सारी जो स्टैचू जो गिरा पत्थर के द्वारा वो उड़ जाएगा। पढ़ो आगे, और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। वो बड़ा पहाड़ बनके सारी पृथ्वी पे फैल गया। तो जो प्रभु का राज्य है वो जब आएगा तो वो सारी पृथ्वी पे फैल जाएगा। 1000 साल का राज्य प्रभु का, ये प्रभु की ठहराई हुई, बंद करी हुई बातें जो प्रभु खोल रहा है ताकि कलीसिया तैयार हो सके, ताकि कलीसिया उसके आगमन के लिए बाट जोती रहे। इन बातों को जानकर, सीखकर, देखकर, परखकर कि हमारे सामने हो रही है, प्रभु ने पहले से लिख दी है, हम अलर्ट हो जाएं। ये सारी बातें ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं है, ये सारी बातें तैयार होने के लिए हैं। ये अंतिम समय की टीचिंग जितने भी हमें किस दिनों के दौरान जाएंगे, ये सारी तैयारी के विषय में है। तो सचमुच मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसा कि मेरा वर्ड था, आत्मिक सोल्जर, शूरवीर सुरमा प्रभु निकालना चाहता है। तो उपवास, प्रार्थना, ये अंतिम समय की टीचिंग्स, आप समझ रहे हो, हमारी जो 24 घंटे की प्रेयर चल रही है, हर माध्यम से, अलौकिक रीति से हमें प्रभु के मकसद को जानना, पहचानना और उसमें बढ़ना है। और सचमुच मेरा बिलीव है, 21 दिनों के बाद आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। और सचमुच प्रभु आपको जब ये प्रकाशन जाहिर कर रहा है, सचमुच दुष्ट की ठहराए हुए बीच वो बंधन, वो जुए ब्रेक होंगे, और प्रभु आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा।
और कल को हम आगे के विषय में सीखेंगे।